आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास नाइन्थ में क्षितिज में पार्ट चार सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक जाबिर हुसैन हैं, के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो जैसे कि चैप्टर में हमने समझा है कि सालिम अली बचपन में जब एयरगन को चला रहे थे तो एक नीलकंठ वाली गौरैया जो है घायल हो जाती है और उस गौरैया के दुख को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, जिसके बाद वो सच्चे प्रेमी बन जाते हैं पक्षियों के और प्रकृति के। तो इस उत्तर में उसको लिखेंगे कि बचपन में सालिम अली के एयरगन से नीलकंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। गौरैया की पीड़ा ने उनके हृदय में पक्षियों के प्रति असीम प्रेम पैदा कर दिया था। इस घटना के बाद उनके जीवन का उद्देश्य गौरैया और अन्य पक्षियों का देखभाल और संरक्षण बन गया था, जिस वजह से वे विश्व प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी बन पाए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आँखें नम हो गई थीं। तो देखिए, घटना जो है ना केरल की है। केरल की साइलेंट वैली में जो रेगिस्तानी हवाएँ आ रही थीं उसके कारण वहाँ के पर्यावरण पे विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा था। अरे, प्रभाव इतना गहरा था कि उसे वहाँ के पशु पक्षी माने जीव जगत सब नष्ट होने वाले थे। इसी का वर्णन उन्होंने बहुत ही प्रभावकारी तरीके से उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने किया, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो इसके उत्तर को लिखेंगे कि जमीन से जुड़े प्रकृति प्रेमी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जब सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से होने वाले विनाशकारी प्रभाव का वर्णन किया, तब पशु पक्षियों और पर्यावरण के प्रति सालिम अली के प्रेम को देखकर पूर्व प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गईं। प्रश्न तीन है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो जैसे कि हम अच्छे से समझ चुके हैं कि लॉरेंस की पत्नी जो फ्रीडा थी वो लॉरेंस के एकदम करीब थी, लॉरेंस के एक एक क्रियाकलाप को अनुभव करती थी, इसीलिए उसके द्वारा लॉरेंस के बारे में शब्दों से बयान कर पाना मुश्किल था। लेकिन लॉरेंस सच्चे पक्षी प्रेमी थे, वो ज़्यादातर समय गौरैया के साथ बिताया करते थे, इसीलिए पत्नी को लगा कि मैं तो नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन गौरैया जो है ना वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें ज़रूर बोल पाएगी या बताएगी या जानती होगी। तो उत्तर में लिखेंगे कि लॉरेंस खुले दिमाग के सीधे साधे व्यक्ति थे, वे अपनी पत्नी फ्रीडा के मन में समाये थे। फ्रीडा के अनुसार लॉरेंस के साथ के अनुभव को शब्दों में बयान करना कठिन है। लॉरेंस और गौरैया अंतरंग साथियों की तरह एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, इसलिए फ्रीडा ने कहा कि गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अब इसके बाद प्रश्न चार पे आ चुके हैं, जो कि आशा स्पष्ट कीजिए है। इसमें कह है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका आशा है कि लेखक का उपरोक्त पंक्ति से आशा है कि सालिम अली भी लॉरेंस की तरह प्रकृति और पक्षियों से प्रेम करते हुए सीधा साधा और सरल जीवन जीते थे। इसमें खा है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो सालिम अली की मृत्यु से दुखी होकर लेखक ने इन पंक्तियों के द्वारा यह कहना चाहा है कि सालिम अली जैसे पक्षी प्रेमी मिलने असंभव हैं। अब सालिम अली की मृत्यु के बाद कोई दूसरा व्यक्ति अर्थात कोई जीवित व्यक्ति यदि चाहे भी तो अपना जीवन उनको दे दे, तब भी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, अर्थात मरे हुए व्यक्ति को किसी भी हाल में जीवित नहीं किया जा सकता। अब लेखक को यह चिंता सता रहा है कि सालिम अली जैसे पक्षी प्रेमी के नहीं होने से उनके सपनों के गीत को कौन और गाएगा, कौन पक्षियों और प्रकृति की रक्षा करेगा। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि सालिम अली की मृत्यु से उपजी स्थिति का वर्णन करते लेखक कहते हैं कि मृत्यु होने के बाद व्यक्ति पुनः जीवित नहीं हो सकता है, चाहे कोई जीवित व्यक्ति अपना जीवन ही मृत शरीर में क्यों ना डालना चाहे, अर्थात अब सालिम अली के सपनों को पूरा करने वाला कोई नहीं है। अब इसके ग पे आ चुके हैं। ग को देखिए कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो जाबिर हुसैन ने सालिम अली के पूरे जीवन का वर्णन करते हुए बताया है कि वो सच्चे पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे,
पूरा उनका जीवन जो है पक्षियों के लिए समर्पित था। इसलिए उन्होंने कहा कि वो एक टापू नहीं थे बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्य अथा सागर के भांति थे। इसके उत्तर को लिखेंगे कि सालिम अली ने निस्वार्थ भाव से केवल पक्षियों और प्रकृति की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उन्होंने भ्रमण करते हुए पक्षियों और प्रकृति के व्यवहार को बारीकी से समझा था। उनका अनुभव और ज्ञान एक टापू की तरह सीमित न होकर सागर की तरह विशाल था। प्रश्न 5 है कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है कि लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला, हिंदी भाषा के शब्दों के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग है। दूसरा, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। पाठ को पढ़ने पर घटनाओं के चित्र उभर जाते हैं। तीसरा, इनकी भाषा धारा प्रवाह सरल, सहज और प्रभावकारी है। चौथा, लेखक ने उपमा और उपक अलंकारों से इस पाठ को अलंकृत किया है। तो इसके अलावा भी और विशेषताएं हैं, आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसको मैंने लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न 6 पे आ चुके हैं कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। याद रखिए ना, इसको अपने शब्दों में लिखिए बोलता है तो एग्जाम में आएगा, तो आपको अपने तरीके से लिखना है। देखिए मैंने कैसे लिखा है कि लेखक के अनुसार सालिम अली जैसा वर्ड वाचर कोई नहीं था। वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से बचाने जब चौधरी चरण सिंह से मिले थे, तब उनके द्वारा पर्यावरण के संभावित खतरों के वर्णन को सुन चौधरी जी की आंखें नम हो गईं। बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीलकंठ वाली गौरैया गिर गई थी। इस घटना ने सालिम अली को पक्षियों और पर्यावरण संरक्षण की दुनिया का सागर बना दिया। वे अपने भ्रमणशील और यायावरी प्रवृत्ति से गले में दूरबीन लटकाए पक्षियों के खोजपूर्ण नतीजों के साथ ही लौटते थे। प्रश्न 7 है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर होगा कि सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा अपने परम मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। लेखक के अनुसार सलीम अली जैसे पक्षी प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। पक्षी और प्रकृति के सपने सालिम अली की आंखों में हरदम बसते थे। वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिस कारण लेखक सालिम अली के सपनों को दुख के साथ याद करते हैं। लेखक ने यहाँ दुख के लिए सांवले शब्द का प्रयोग किया है, अतः सांवले सपनों की याद शीर्षक इस पाठ के लिए एकदम सार्थक है। तो बच्चों, आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उपयोगी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।